सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों पासवर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है किसी हैकर के लिए भी ये बहुत ही अहमियत रखता है। क्या हो किसी वेबसाइट से अगर आपके पासवर्ड को हैक कर दिया जाए और गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक वेबसाइट में आपका पासवर्ड सेव कैसे होता है और कैसे आप अपने और से एक स्ट्रांग पासवर्ड को रख सकते हो। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों यहां पे हम अपने पासवर्ड को छुपाते हैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, घर वालों से, और यहां पे वो आपका नुकसान क्या कर सकते हैं? कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। सोचिए अगर कोई हैकर आके आपके पासवर्ड को हैक कर दे और गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करें। तो यहां पे हमको पहले देखना है कि जो वेबसाइट्स हम विजिट करते हैं, रिलाई करते हैं जिन वेबसाइट्स के ऊपर, क्या वो वेबसाइट्स हमारे पासवर्ड को सही तरीके से सेव कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप स्ट्रांग पासवर्ड को रख सकते हो। तो पहले हमको यहां पे जाना है कि पासवर्ड्स वेबसाइट्स में सेव कैसे होते हैं। यहां पे सबसे पहले जो मेथड वन है वो है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब अभी ये चीज काम में नहीं आ रहा है, मतलब वेबसाइट्स इस चीज को काम में नहीं ले रहे हैं। पहले ये होता था प्लेन टेक्स्ट, मतलब आप जो पासवर्ड रख रहे हो सर्वर पे पूरी तरह सेम पासवर्ड ही सेव होता है। सपोज मैंने एडिश ट्यूटोरियल्स रखा है पासवर्ड, वो एडिश ट्यूटोरियल्स प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है सर्वर पे। तो यहां पे आप जितना भी स्ट्रांग पासवर्ड दो, हैकर अगर हैक कर लेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने पासवर्ड क्या रखा है। इस चीज को हम हटा देते हैं क्योंकि ये अभी काम में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड मेथड जो है वो है बेसिक जो एनक्रिप्शन होता है। बेसिक एनक्रिप्शन का मतलब दोस्तों जो पासवर्ड आपने डाला है, सपोज मैंने एडिश ट्यूटोरियल्स डाला है, वो पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्ट हो जाता है। ये की के जरिए ये चेंज हो जाता है एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट में, तो वो टेक्स्ट में वो चेंज हो जाता है, उसके बाद वो सेव हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, वो जो की होती है ना, वो की सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो सर्वर पे सेव कर लेते हैं, हैकर्स हो सकते हैं वो की का पता लगा सकते हैं। एक बार वो की का पता लगा दिए वो लोग, उसके बाद उस चीज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं और आपके पासवर्ड के बारे में वो जान सकते हैं। तो यहां पे भी अगर आप जितना भी स्ट्रांग पासवर्ड रख रहे हो, अगर उनको की के बारे में पता चल गया तो वहां पे हो सकता है वो आपके पासवर्ड को पता लगा सकते हैं, तो ये भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल एनक्रिप्शन की तरह ही होता है, मतलब आपने जो पासवर्ड रखा है वो चेंज हो जाता है टेक्स्ट में, लेकिन वो जो चेंज होता है वो वन वे होता है। मतलब जिस एल्गोरिदम से वो टेक्स्ट में चेंज हुआ है, सेम एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। मतलब आपने अगर एक टेक्स्ट वहां पर लिया है, वो टेक्स्ट से आप सेम एल्गोरिदम से आप पासवर्ड को पता नहीं लगा सकते हो। तो सवाल ये है कि क्या ये सिक्योर है? दोस्तों ये भी सिक्योर पूरी तरह नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं यहां पे, क्योंकि यहां पे अगर वो हैकर्स जो है वो पता लगा सकते हैं उन हैशेस के बारे में, तो वो हैशेस से रिलेटेड वो पासवर्ड को वो जनरेट कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों अगर मैन्युअली मैं आपको बताऊं हैकर क्या ये काम को कर सकते हैं, तो मैन्युअली शायद नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं वो काम। तो इसके लिए यहां पे रेनबो टेबल होता है। रेनबो टेबल में पहले से करोड़ों ऐसे फंक्शंस होते हैं, हैश फंक्शंस, जिससे जुड़े हुए पासवर्ड्स होते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर मैच करते करते वो पता लगा सकते हैं यहां पे कि आपने पासवर्ड रखा क्या है। तो यहां पे स्ट्रांग पासवर्ड बहुत जरूरी है। पासवर्ड को कैसे आपको रखना है मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, मतलब कि एंड पे बताऊंगा ये वीडियो के एंड पे। तो हैश फंक्शन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहां पे आपके स्क्रीन पे जो अभी टेक्स्ट आ रहा है वहां पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जो पासवर्ड है उसका नाम है पासवर्ड वन। तो ऐसे कई सारे पासवर्ड्स जो होते हैं या फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं पहले से मौजूद होते हैं रेनबो टेबल में, वहां से वो ब्रूट फोर्स अटैक या फिर डिक्शनरी अटैक से वो पता लगा सकते हैं वहां पे पासवर्ड है क्या। इस चीज को और भी एडवांस बनाने के लिए वेबसाइट्स काम लेते हैं सॉल्टिंग का। सॉल्टिंग मतलब आप समझ लो जैसे आप खाना खाते हो ना, वहां पे आप नमक डालते हो तो वो स्वाद के लिए होता है। तो उसी तरह सॉल्टिंग में क्या होता है, जो पासवर्ड आपने डाला है तो हैशिंग के पहले वो पासवर्ड के बिगिनिंग में या फिर एंड में और स्ट्रिंग्स वहां पे लाया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, ताकि उसको सिक्योरिटी को और भी एडवांस बनाया जाए वहां पे। तो वो जो पासवर्ड्स या फिर बेसिकली जो स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि बिगिनिंग या फिर एंड में डाला जाता है, वो रेनबो टेबल में मौजूद नहीं होते हैं, या फिर अगर मौजूद होते हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है वहां पे। तो इस चीज को भी एडवांस बनाया गया, और आजकल जो वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी हैश फंक्शन और सॉल्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर वेबसाइट्स इसी चीज को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पे एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो है, कि हैशिंग को अभी स्लो हैशिंग किया जाएगा। मतलब यहां पे अगर मैं आपको हैशिंग फंक्शंस के बारे में बताऊं तो अलग अलग हैशिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि MD5, SHA-1, SHA-256, ऐसे सब होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी आप पासवर्ड दे देते हो ना, बहुत जल्दी वो वहां पे वो स्ट्रिंग को जनरेट कर देता है। लेकिन स्लो हैशिंग की मदद से क्या होता है, वो हैशिंग जो जनरेट होता है वो बहुत स्लोली होता है। यहां पे वो जो हैकर्स होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, सबसे बड़ी वीकनेस है टाइम। मतलब टाइम जितना ज्यादा होगा, मतलब वो उस
इसको क्रैक नहीं कर सकते, तो इसमें स्लो हैशेस को भी काम में लिया जा रहा है। अभी चलिए हम जानते हैं कि पासवर्ड को कैसे हमको सेव करना है या फिर हम कैसे स्ट्रांगली हम पासवर्ड को यहां पे रख सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैकर्स के लिए सबसे बड़ी वीकनेस है टाइम। टाइम मतलब दोस्तों, यहां पे आप जितना भी कम लेंथ का पासवर्ड रखें ना, कॉम्प्लेक्सिटी जितना भी डालें उसमें कोई दिक्कत नहीं है हैकर्स को, लेकिन अगर आप लेंथ ज्यादा रख करते हो वो दिक्कत है वहां पे। मतलब सपोज मैंने एडीज ट्यूटोरियल्स डाल दिया, तो ये यहां पे अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी डाल दूं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल दूं, ये दिक्कत नहीं है उनके लिए, वो तो पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं लेंथ ज्यादा करूं तो वो दिक्कत है वहां पे। तो आपको लेंथ बढ़ाना होगा, और लेंथ जब भी आप ज्यादा करोगे तो डिक्शनरी वर्ड आपको रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको यहां पे रखने की जरूरत नहीं है एडीज ट्यूटोरियल्स अभिनव दास, तो ऐसे रखने की जरूरत नहीं है जो कि एक वर्ड पर्टिकुलरली उसके अंदर होगा, या फिर आपको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स एडीज एडीज, ऐसे आपको रखने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ानी होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है लेंथ को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि यहां पे देखिए जब वो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं ना, डिक्शनरी अटैक करते हैं, जहां पे वो ये चेक करते हैं या फिर मैच करते रहते हैं कि वो पासवर्ड क्या है, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और हमेशा याद रखना होगा आपको, पासवर्ड हमेशा आप चेंज करते रहिए, ताकि अगर बीच में कोई ब्रूट फोर्स अटैक कर भी रहा है ना, तो बाद में इस चीज को अगर आप चेंज कर दोगे तो उसको पहले से जीरो से शुरू करना होगा पासवर्ड क्रैक करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट अभी जो है वो है, हमको चेक करना होगा जो सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से पासवर्ड को सेव कर रहे हैं कि नहीं। कई सारे वेबसाइट्स आप देखे होंगे जहां पे अगर आप फॉरगेट पासवर्ड अगर आप डालोगे ना, तो वहां पे आपके ईमेल को वो पासवर्ड भेज देते हैं, तो उनको भी पता होता है आपके पासवर्ड के बारे में। लेकिन कई सारे वेबसाइट्स जो होते हैं ना, जब आप फॉरगेट पासवर्ड आप करते हो ना, तो पासवर्ड आप अपने ओर से चेंज करते हो, तो वो सही रहता है वहां पे। और यहां पे आपको चेक करना होगा जो सर्विसेज होते हैं वो किस मेथड से यहां पे सेव कर रहे हैं पासवर्ड्स को, क्या वो हैशिंग फंक्शन के मदद से, जहां पे वो सॉल्टिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद से क्या वो सेव उसको सेव कर रहे हैं। अगर वो है तो वो सही बात है, वरना आपको उन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की यहां पे जरूरत नहीं है। और बहुत सारे वीडियोस पे मैंने आपको बताया भी है कि आपको यहां पे एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर को इस्तेमाल करना होगा। आप ड्राफ्ट पे अपने पासवर्ड को सेव ना करें, क्योंकि कोई पता लगा सकता है आपके पासवर्ड के बारे में। यहां पे आपको सेम पासवर्ड अलग अलग जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग पासवर्ड रखिए। तो ये सब चीजों के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, लेकिन यहां पे इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लेंथ ज्यादा करें, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा डालें वहां पे, और अच्छी तरीके से पासवर्ड को यहां पे सेव करें। उम्मीद करता हूं यहां पे आपको पता चला है कि आपका पासवर्ड वेबसाइट में कैसे सेव होता है और कैसे आप स्ट्रांगली एक पासवर्ड को रख सकते हो कोई भी वेबसाइट में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।